गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, हम लोग उसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज आनी चाहिए उसके बारे बेसिक, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके जनरली दो पार्ट हैं। ठीक है, कुछ पार्ट हम लोग इलेवंथ में पढ़ते हैं और कुछ हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, राइट। ठीक है, तो इलेवंथ में हम लोग कुछ, जैसे आपका सेट थ्योरी है वो हम लोग इलेवंथ में पढ़ चुके हैं, तो सेट की भी यहाँ रिलेशन फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सेट्स का जो आपका बेसिक होता है वो बेसिक का हमें रिलेशन फंक्शन में काफी सारा यूज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक जब हम पढ़ते हैं इसका सिक्वेंस है, रिलेशन फंक्शन पढ़ने का एक सिक्वेंस है। वो सिक्वेंस क्या है कि पहले हमें सेट्स, सेट जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, फिर हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, देन हमारा कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, फिर हम लोग जो है वो पढ़ते हैं और रिलेशन क्या होता है, देन इसके बाद फंक्शन हो गया, देन उसके बाद हमारा बाइनरी फंक्शन हो गया। और रिलेशन की बात करें हम, तो रिलेशन के अंदर फर्दर क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट की डेफिनेशन, राइट, उसके बाद डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे ही फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन वगैरह, फिर हमारा बाइनरी फंक्शन आता है। ठीक है, इसमें जो ये पार्ट है हमारा सेट, सेट थ्योरी हो गई, ऑर्डर्ड पेयर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ये हम लोग जनरली क्लास इलेवंथ में पढ़ चुके हैं। ये जो पार्ट है ये हम लोग क्लास इलेवंथ में पढ़ चुके हैं। मैंने कहा भी रिलेशन एंड फंक्शन जो है ये हमारा कुछ पार्ट हम लोग इलेवंथ में कवर करते हैं और कुछ पार्ट हम लोग ट्वेल्थ में कवर करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट जो है ये आपका इलेवंथ वाला पार्ट है, पर टेंशन मत लीजिए आप, मैं आपको ये पार्ट भी आपको पूरा सही से बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हम लोग चीजें पढ़ते, तो ये हमारा सिक्वेंस होता है। इसमें जब रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें सेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है पता होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है पता होना चाहिए, रिलेशन तो हम लोग देखेंगे ही, डेफिनेशन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और काफी इंटरेस्टिंग भी है, राइट। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट से। ठीक है, सेट क्या होता है, राइट। तो सेट क्या होता है इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो सेट से स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है, सेट इज ए, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारे सेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट ऑफ ईच अदर। तो यहां पर यह टर्म है वेल डिफाइंड, इसको थोड़ा सा वेल डिफाइंड कर लेते हैं क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ है कि कोई भी चीज है उसको क्लियरली डिफाइन किया गया हो, कोई भी चीज है उसको क्लियरली डिफाइन किया गया हो। तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि उस चीज को क्लियरली आपको डिफाइन किया गया हो, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब क्या हुआ कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि हमें यहां एक्चुअली प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि क्या चीज के बारे में बात हो रही है, उसमें कुछ भी मिसगाइड वाली बात या मिस इंटरप्रिटेशन वाली बात
नहीं होनी चाहिए, जो भी है वो सेट क्लियर होना चाहिए, राइट। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा इससे। मैंने कहा कि इस क्लास में कुछ इंटेलिजेंट लड़के हैं, ठीक है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। मैंने कहा क्लास में इंटेलिजेंट वॉइस इन ए क्लास, तो इसमें बात हमारी क्लियर नहीं, कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहा है कि इंटेलिजेंस किसकी बात हो रही है, ठीक है। कोई कुछ काम करने में इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, कोई पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है, किसी का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे पैरामीटर हैं, तो यहां से बात क्लियर नहीं हुई, ठीक है। मैंने कहा ब्यूटीफुल गर्ल्स इन ए क्लास, तो यहां भी क्या हुआ, ये सेट भी पूरा क्लियर नहीं हुआ। एक सिंपल सी बात करते हैं कि यदि आपको ये कहा जाए कि आप क्लास के जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं उनके ना किसी तीन के नाम लिखिए आप, तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग नाम लिखेंगे, मतलब वो सेट क्या है वो क्लियर नहीं है, राइट। वो सेट जो है वो क्लियर नहीं, जैसे मैं कहूं बेस्ट मूवीज इन बॉलीवुड, ठीक है, तो हो सकता है आपकी बेस्ट अलग हो, मेरी बेस्ट अलग हो, किसी और की बेस्ट मूवी अलग हो, तो उसमें सेट जो है वो क्लियर नहीं, कहीं ना कहीं हम मिसगाइड हो रहे हैं, बात क्लियरली नहीं हो रही है, राइट। तो ये मतलब क्या हुई, वेल डिफाइंड चीज नहीं हुई, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैं कहूं बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, हो सकता है आपके बेस्ट एक्टर जो हो वो अलग हो, आपको हो सकता है कि सलमान खान, आमिर खान पसंद हो सकता है मुझे अक्षय कुमार पसंद हो, तो आपका बेस्ट अलग हुआ, मेरा बेस्ट अलग हुआ, तो आपका सेट जो है वो अलग हुआ, मेरा सेट अलग हुआ, तो यहां पे ये चीज मिसगाइड हो रही है, इसमें प्रॉपर कुछ नहीं निकल के आ रहा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब आप भी लिखिए नेचुरल नंबर, मैं भी लिखता हूं नेचुरल नंबर, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग से, वन से आप भी स्टार्ट करेंगे, वन से मैं भी स्टार्ट करूंगा, मैं कहूंगा स्टार्टिंग एट, आप जो है वो 10 इवन नंबर लिख दीजिए, मैं भी लिखूंगा इवन नंबर, वो सेम हुए, राइट। तो इसमें क्या है, एक पूरा क्लियर विजन हो रहा है हमारा, तो ये चीज क्या हुई, वेल डिफाइंड। मैं कहूं कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिखिए, तो आपके भी प्राइम नंबर वही होंगे जो मेरे होंगे, राइट। तो ये क्या हुआ, ये मतलब हुआ वेल डिफाइंड, ये चीज सही से डिफाइन की गई है, प्रॉपर डिफाइन की गई है, हमें समझ में आ रहा है कि हमें डिफाइन करना क्या है, राइट, हमें समझ में आ रहा है कि हमें डिफाइन क्या करना है, राइट। जैसे मैंने कहा बॉलीवुड का एग्जांपल दिया, मैं कहूं 5 एक्टर बताइए, हो सकता है कुछ लोग बोले सर एक्टर अभी के बताने हैं या 90s के बताने हैं या 1960s के बताने हैं या जो भी नए एक्टर आए उनके नाम बताने हैं, क्योंकि बात क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन मैंने कहा कि आप इवन नंबर का सेट दाइए, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 10 इवन नंबर बता दीजिए, तो आप नहीं पूछेंगे सर कौन से इवन नंबर जो 1960s में चलते थे या अभी चलते, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो बात क्लियर है, उससे बिल्कुल हमारा विजन जो हो रहा है बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है हमें क्या बताना है, तो उस मतलब क्या हो, उसका मतलब होता है वेल डिफाइंड, राइट। तो ये टर्म जो वेल डिफाइंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेट्स क्या होता है, इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट है उनका सेट, उनका कलेक्शन जो होता है उसे कहते हैं हम लोग सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर से, हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ए सेट, सेट बी, सेट सी, सेट डी एंड सो ऑन, राइट। अब जो ये सेट होते हैं इनके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ये सेट होते हैं इनके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं कुछ जिन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स, उन्हें हम जनरली यदि वो अल्फाबेट है एबीसीडी वाले हैं तो उन्हें स्मॉल लेटर, स्मॉल जो एबीसीडी होती है उससे डिनोट करते हैं, और यदि 1 2 3 है उसकी एक अलग बात, क्योंकि वो स्मॉल कैपिटल नहीं होती है, पर एबीसीडी यहां कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी से डिनोट करते हैं हम लोग, लेकिन जो हमारे ये सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, लेकिन जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उनके एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन एनी सेट, द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन एनी सेट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। क्या मतलब हुआ, जो ऑब्जेक्ट है किसी सेट में प्रेजेंट है उनको कहते हैं हम एलिमेंट्स, और वो स्मॉल लेटर से नोट करते हैं जैसे ए बी सी डी एंड सो ऑन, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बात होती है सेट को हम लोग, सेट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैसे किया जाता है, ठीक है।
सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसके रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं हमारे, दोनों ही तरीके आपने 11th में पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक होती है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लोग टेबुलर मेथड भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग टेबुलर मेथड भी कहते हैं, या जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, राइट, इसे कहते हैं रोस्टर मेथड। ये होता है हमारे, ये होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। सेकंड हमारा कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। इसे हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसमें क्या होता है, इसमें हमें डायरेक्ट एलिमेंट ना देके उसकी प्रॉपर्टीज दी जाती हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसमें हमें डायरेक्ट एलिमेंट ना देके उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें सॉल्व करना होता है, राइट, ठीक है, या कहें इसमें हमें डायरेक्ट एलिमेंट ना देके हमें प्रॉपर्टी दी जाती है और प्रॉपर्टी से ही हमें समझना होता है कि हमें इसमें क्या करना है। अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, बात समझ में आइए। आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जाकि आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो आप भूल चुके हैं वो थोड़ा सा ध्यान आए। ये एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ए बिलोंग्स टू, ये एक्स है, एक्स जो है ये ग्रेटर देन 3 है एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमें एक दिया है ए बिलोंग्स टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 3 और ये एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, राइट। तो ये क्या है, ये हमें क्या दे रखी है, ये हमें प्रॉपर्टी दे रखी है एक्स के बारे में, प्रॉपर्टी कि एक्स क्या है, कैसा है, कौन है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी मतलब ये क्या है, ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म है। ये क्या है, हमारे सेट बिल्डर फॉर्म है, यहां कोई एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं दे रखी है। अब इसी को मैं लिखूं यदि रोस्टर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा हमारा, यदि मैं लिखूं उसको रोस्टर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स कौन सा नंबर है जो 3 से बड़ा है, यानी क्या 3 से बड़ा क्या होता है, 4, नेचुरल नंबर है तो सारे कंटिन्यू 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो ये क्या हुई हमारी, ये टेबुलर यानी रोस्टर फॉर्म हुई, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गए। तो दोनों फॉर्म समझ में आ गए। तो हम लोग जो अभी रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, इसमें हमें इन फॉर्मों का काफी यूज करना है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का, राइट, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, आपके वैसे पहले से भी ध्यान होगा, यदि भूल गए तो आपको इससे ध्यान आ जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने ये पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म और ये पढ़ा रोस्टर फॉर्म, देखा क्या होता है। आइए अब इस सेट के बारे में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक, देखो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है हमें, 11th में आप ये चीजें पढ़ चुके हैं, मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि पिछला आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए, जो याददाश्त आपकी चली गई है वो थोड़ी सी वापस आ जाए आपके, ठीक है, ताकि ये चीजें आपको ध्यान आने लगे, राइट। और यदि 11th में सही से नहीं पढ़ा है तो एक बार जो भी बुक है आपके पास क्लास 11th में आपने जो भी पढ़ी थी, यदि बेची ना हो तो, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आप सेट वगैरह देख लें। यदि आगे भी आपको एग्जाम IIT वगैरह के देने हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, तो ये चीजें आपको बहुत सही से आनी चाहिए, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा सेट, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर, राइट। यही तो तीन बातें हुई थी हमारी, जो हम लोग कहा था कि हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज ए पेयर रिटन एज ए कॉमा बी, दिस इज ए पेयर रिटन एज ए कॉमा बी, क्या है इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ये स्पेसिफिक ऑर्डर लिखा है, इन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एज ए बिलोंग्स टू सेट ए
एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ए जो एलिमेंट है ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है, सेट ए से लिया गया है। बी जो एलिमेंट है स्मॉल बी, ये कैपिटल बी सेट है, उसको बिलोंग कर रहा है या उससे लिया गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। अब इसमें जो ए और बी है, जो हमने लिखा है ए और बी, ठीक, जो हमने ए और बी लिखा है, जो ए है ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, राइट। और जो बी है ये हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, राइट। ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है, बी हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। एक ऑर्डर्ड पेयर है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है, सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा बी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, यदि मैं कहूंगा ए कॉमा बी, तो मेरा ये बी कॉमा के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो ऑर्डर्ड पेयर है तो ए कॉमा बी, बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे ए जो है ये फ्रॉम सेट ए है, ये सेट ए का एलिमेंट है, पर यहाँ ये सेट अगर बी का एलिमेंट है पहले, तो ये इक्वल नहीं हो सकते हैं आपस में। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल। यदि मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूं, जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है उसकी, या बात करूं मैं जो हमारा कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होता है उसकी बात करूं, वहां भी हम लोग जो लिखते हैं कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, वहां भी एक्स एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, राइट। ध्यान आ रहा होगा आपके लिए, कहां की बात कर रहा हूं मैं ये आपके लिए, जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, वहां की बात हो रही है, और कोई भी यदि 2D फिगर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, या कार्टेशियन सिस्टम बोल सकते हैं, या कार्टेशियन सिस्टम जो पढ़ते हैं, तो हम लोग एक्स कॉमा वाई को यूज करते हैं, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर ही तो है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर ही तो है। ठीक है, हम लोग मान लो बोलते हैं 2, 1, तो क्या बोलते हैं, एक्स बराबर 2 है, वाई इक्वल्स टू 1 है, यही तो बोलते हैं। मैं कहूं भाई एक प्लॉट बनाना है आपको, ये और ये दे रखे हैं, ठीक है, या हमें पॉइंट लोकेट करने हैं, ठीक है, किसी भी प्लेन पेपर पे किसी ग्राफ में ये पॉइंट दे, हम क्या मानते हैं इसको, ये एक्स है ये वाई है, राइट, ये एक्स है ये वाई, ये तो मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, राइट, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें कि जो ये होता है इसे क्या कहते हैं, जो एक्स और वाई होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अब्सिसा, अब्सिसा, और इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, इसे अब्सिसा और इसे ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट, करेक्ट बात, इतनी बात क्लियर है, जो फर्स्ट एलिमेंट है अब्सिसा, सेकंड एलिमेंट है इसे ऑर्डिनेट, और ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है, राइट। आइए बात करते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स की। ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ये ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल से है, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी है, ये तीन एलिमेंट है हमारे, तो इसमें यदि एलिमेंट जो ए है ये बिलोंग कर रहा है ए सेट को, बी बिलोंग कर रहा है बी सेट को, सी बिलोंग कर रहा है ये स्मॉल सी है, देखने में छोटा कर देता हूं, ठीक है, सी सेट को कर रहा है, सी हमारा कैपिटल सी है, राइट। तो ये हमारे ए बी सी एलिमेंट है छोटे वाले, और ये हमारे सेट हैं, तो ये तीनों एलिमेंट तीन अलग अलग सेट से आए हुए हैं या बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसे पेयर को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, करेक्ट बात। आइए अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है देखते हैं, तो आइए एक इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो चीजें हम लोग देख रहे हैं ये सारे ही सेट से रिलेटेड हैं। आपने जब सेट थ्योरी क्लास 11th से पढ़ी होगी तो आपने ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट सब पढ़ा होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन स्टार्ट कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज
ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। राइट, लाइक ए कॉमा बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे लोग लगाते हैं उनकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो मान लो कोई सेट आपको दे रखे हैं तो उनसे कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, वो हमारे होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर ज्यादा सही रहेगा, ए कॉमा बी। जैसे दो सेट है ये ए क्रॉस बी, राइट, इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये ए क्रॉस बी का, राइट, तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम लोग, कि ए कॉमा बी दो एलिमेंट हैं, ए जो है वो सेट ए से है, बी जो है सेट बी से है, सच डेट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो ये दो एलिमेंट है हमारे, एक सेट ए को बिलोंग कर रहा है, एक सेट बी को बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे ए सेट से और बी सेट से, तो सारी पॉसिबिलिटीज जो होती है उसे भी हमारा कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं इसको डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइंड एज सेट ए टू सेट बी। ठीक है, सो क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफाइंड फ्रॉम फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, राइट, सेट ए टू सेट बी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं छोटे छोटे। माना सेट ए है एक, यहां मान लिए वन टू थ्री, ये तीन एलिमेंट हैं, एक सेट बी है, यहां दो एलिमेंट हैं ए और बी, ये हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। अब मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी। हम लोग क्या करेंगे कि जो ए के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे ए का ये एलिमेंट है ये बी के दोनों एलिमेंट के साथ बनेगा, फिर ए का जो दूसरा एलिमेंट है वो इन दोनों के साथ पेयर बनेंगे उसके, फिर तीसरा एलिमेंट है उसका पहला ए के साथ फिर बी के साथ। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, वन कॉमा ए वन कॉमा बी, ऐसे लिख सकते हैं वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए, फिर वन कॉमा बी टू कॉमा बी थ्री कॉमा बी, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सकते हैं वन कॉमा बी टू कॉमा ए टू कॉमा बी थ्री कॉमा ए थ्री कॉमा बी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ऑर्डर पेयर सारे हमारे वही आएंगे जो आने हैं। तो ये हमारा आ गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज हमारी ए और बी की, जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो सारे हमारी पॉसिबिलिटीज इसमें आ गए हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो ए कॉमा बी कॉमा सी वन कॉमा टू, ठीक है, हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से सात पेयर बनाएंगे, राइट, आएगा ए कॉमा वन ए कॉमा टू बी कॉमा वन बी कॉमा टू सी कॉमा वन और सी कॉमा टू, राइट, ये तो हो गया ए क्रॉस बी। यदि हम बनाते हैं बी क्रॉस ए तो वो भी पॉसिबल है, अब वो क्या बनेगा, बी क्रॉस ए देखते हैं, ये आएगा हमारा, अब हमारा क्या होगा, बी का जो एलिमेंट है वो पहले आएगा और ए का एलिमेंट है वो बाद में आएगा, बी क्रॉस ए, तो वन कॉमा ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी ऐसे टू कॉमा ए टू कॉमा बी और टू कॉमा सी, राइट, तो ये ए क्रॉस बी ये बी क्रॉस ए हो गया हमारा। अब इसमें एक चीज हम लोग देखें, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो आया इसमें क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर सेम है हमारा, ये ए कॉमा वन है ये वन कॉमा ए सेम नहीं है, ठीक है, इसमें एलिमेंट ए से लिया गया है पहला वाला, इसमें बी से लिया गया है, तो ये सेम नहीं है हमारा, और ये ए कॉमा टू है यहाँ टू कॉमा ए, कोई भी हमारा सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज कोई भी हमारा पेयर इसमें सेम नहीं होगा, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज नॉट इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए,
राइट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड फ्रॉम B टू A, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A से A टू B आया है वो हमारा इक्वल नहीं होता है जो B टू A आता है, ये हम लोगों ने देख भी लिया, ठीक है। बात हो गई। तो हम लोगों ने ये कुछ जो क्लास 11th वाला पोर्शन था जो यहाँ हमारे बहुत काम में आएगा उसको देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन और फंक्शन जो हमारा चैप्टर है उससे स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, उसे स्टार्ट करने से पहले आप सेट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, इन सब का जो बेसिक है उसको थोड़ा सा सही से देख लें। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफी यूजफुल होगा। यदि आपने सही से पढ़ाया 11th तो आपको काफी चीजें ध्यान आ जाएंगी, क्योंकि इसके बिना हम लोग रिलेशन फंक्शन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। वहां पे सारी चीजें यही बार बार आएंगी, तो बार बार आपको दिक्कत होगी समझने में। इससे बेहतर ये रहेगा कि आप एक बार इसको पढ़ लें, ठीक है, जाके आगे कोई दिक्कत ना आए। ओके, थैंक यू।